गुड मॉर्निंग गाइस, हाउ आर यू ऑल। मैं हूँ और मैं आज आपके सामने मिनी व्लॉग लेकर आया हूँ। ज़्यादा बड़ा व्लॉग नहीं है और छोटे से व्लॉग में मैं आपको बताऊँगा कहानी हमारे एक परिवार के छोटे से लड़के की, जो कि अब बड़ा हो चुका और क्रिकेटर बनने की चाह रखता है। मिलवाता हूँ मैं तुम्हें आज आप सभी को शाइनी से। गाइज, ये है शाइनी और शाइनी के साथ हम पहुँच चुके हैं आज ग्रेटर नोएडा। नोएडा में एक स्टेडियम है वहाँ पर क्रिकेट खेलने के लिए, और ये यहाँ पे इसका आज स्टेट मैच का है, तो ये गुजरात को रिप्रेजेंट कर रहा है मैं नहीं मानता। यहाँ पे और भी लड़के लोग आएंगे, ये मैं आपको व्यू दिखाने वाला हूँ। ये यहाँ का स्टेडियम है और फिलहाल हम यहाँ पे शाइनी को लेकर आए हैं। शाइनी के साथ उनका चाचा कोच आया है पब्लू हैपलेट, जो कि उसे साथ लेकर आया है यहाँ पे, उसका साथ देने के लिए आया है और साथ देने के लिए आया हूँ मैं। तो मिलते हैं आगे के ब्लॉग में, देखते हैं और क्या क्या हम देखने को मिलता है। आए ना, अब आ रहे हैं दो जने तो आए। बना रहे ब्लॉग। यहाँ पे और भी हमारे जो मैच के प्लेयर्स है वो आते हुए। बिल्कुल बहुत ठंडी लग रही है। जैसे बोल रहा हूँ मैं तो श्री राम सब बोलने जा रहा हूँ। दाढ़ी आ गई तेरी, दाढ़ी तो क्या आ गई, तूने बोला ना अभी मेरी दाढ़ी आ गई। अरे मेरे हाथ दूज रहे। अच्छा ठीक है, ऑपोजिट टीम वाले ऐसा है, ऑपोजिट टीम वाले सिर्फ मिलेंगे तुम्हें मैदान में, उसके अलावा सब फ्रेंड्स है। क्यों, सही बात है ना, अपनी स्पोर्ट्समैनशिप दिखानी सिर्फ ग्राउंड में। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और ये बबलू का वार्म अप करवाते हुए पहली बार से प्लेयर कोच का वार्म अप करवा रहे हैं। तेरा तो गेम बजाना पड़े। या तो वहाँ देख लो, अगर वहाँ बाय चांस वहाँ नहीं होते ना, फिर जो मैंने बताया ना, फिर वहाँ जाओ आप। तुझसे पूछा किसने? गाइज, अभी हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं टीम का और सारे जो मैच के जो मेन हम कह सकते हैं कि कोचेज़ और जो हमारे यहाँ के सेलेक्टर्स हैं उनका वेट कर रहे हैं, और जैसे ही वो सब आ जाएंगे तो मुझे लग रहा है कि यहाँ का मैच शुरू कर देंगे। फ़िलहाल सारे बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं, स्लोली स्लोली आ रहे हैं क्योंकि सर्दी बहुत है और इसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी दिक्कतें बोल सकते हैं हम लोग कि काफ़ी दिक्कतें हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि फ़िलहाल ये लोग वार्म अप कर रहे हैं अपने आप को और कोशिश कर रहे हैं कि ये मैच के टाइम पे अपने आप को फुल एनर्जेटिक रख सके। तो ये यहाँ पे अभी पिच का देख के पिच पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो सामने सर खड़े हैं वो कोच है और उन्हीं का जो लड़का है वो हमारे इसमें टीम में है, जिस टीम में मृदुल है यानी कि शाइनी लगी। ये देखो।
क्या लग रहा है, कैसा कर पाएंगे? कर तो पाएंगे अच्छा। आपकी कोई राय कोच साहब? थोड़ा खुद डाउटफुल है। बिल्कुल उछालना थे प्लेयर्स के अकॉर्डिंग जो ये जो पिच है इसमें क्रैक्स बहुत है और हो सकता है कि थोड़ा सा दिक्कतें आ सकती है क्रिकेट खेलते समय। मैं शाइनी से ही पूछता हूँ कि उसे कुछ दिक्कतें आई या नहीं आई, देख के क्या लगता है? पिच में बाउंस नहीं है, खाली मूवमेंट है। सिर्फ बाउंस है? बाउंस है ही नहीं। अच्छा, मूवमेंट हो रही है, मतलब ज़्यादा ओके नहीं है। पिच खराब है। पिच खराब है, स्पिन के लिए अच्छी है, पेस के लिए खराब है। ऑलराउंडर हमने खाली बैट्समैन, फिर कीपिंग में वो किया है, कीपिंग में कौन है आपका, उसको तैयार किया है मैंने। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। और आप पांच फाइटर्स हैं, पांच पांच है, अंडर 16 है, अंडर 16। I don't know. कुछ खा लो, चाय वाय पी लो, थोड़ा एनर्जी आ जाएगी। पी ली, ले आओ, ले आओ। यहाँ पे अभी सभी प्लेयर्स को ब्रेकफास्ट देते हुए तो यहाँ पे अभी टीम की ड्रेसेस दी जा रही है। रेंजर्स है हमारी टीम का नाम। तो बताओ तुम्हारी ड्रेस पक्का ये तैयार होकर आओ। इतनी खुशी मुझे आज तक। फिर हम आपको यूनिफॉर्म में देखते हैं। दिखाओ आठ नंबर मृदुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। खेल रहा हूँ, पहला मिला क्या है बताना? नहीं, इरफान 12 नंबर। ये है हमारी टीम जो अभी रेडी हो रही है। ये सब नंगा फोटो भेज रहा है सबको। वाह क्या सीन है। नहीं जा रहा, दिख ही नहीं रहा, तो मृदुल के पीछे छिप गया है। चल शाइनी यहाँ पे दिख रहा है। जा थोड़ा पीछे जा, बस पीछे मुड़। कोई बात नहीं, स्पोर्ट्समैन। Okay.
हामिद भाई करके उनको मैं फोन करता था, वो गीतांजलि मैडम है, उनको फोन करता रहता था। टॉस हुआ, बैटिंग है। सब कर लेंगे हम तो। आज का पहला मैच ख़त्म हो चुका है और फर्स्ट मैच के बाद हम सब यहाँ पे इंतज़ार में। अभी फ़िलहाल हम लोगों का मैच ख़त्म हुआ है और हम लोग ने खाने का ऑर्डर किया है और खाने के ऑर्डर में हम लोगों ने बर्गर किंग से बर्गर्स मंगाए हैं तीनों के लिए एक एक, क्योंकि आसपास में वही था और आसपास में कोई रेस्टोरेंट नहीं है तो बर्गर किंग से हम बर्गर खा रहे हैं। और ये बबलू हमारे बर्गर्स लाते हुए, कब से वेट किया, अब जाके बर्गर्स आए हैं हमारे पास स्विगी से। पकड़ पकड़। मृदुल 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 इसका एक्चुअली वैसा रियल नेम है, वैसे हम लोग घर पे शाइनी बोलते हैं। बर्गर खाओ, खुद जान जाओ। तो चलिए शुरू करते हैं। बढ़िया शाइनी, टेस्टी है, टेस्टी ना। ये है मैच का लास्ट आई थिंक सो, और एक रन ही चाहिए इसके अंदर और वाइड, और ये एक रन, और ये यहाँ पे मैच की हो गई समाप्ति। हमारे एंड शाइनी जो कि पैड वेड पहन के रेडी हो रहे थे नेक्स्ट डाउन उतरने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें चांस नहीं मिला। कोई बात नहीं, वेल प्लेड, वेल प्लेड भाई, बहुत बढ़िया। तीसरा मैच आज ही खत्म कर दो बोला। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं, सो के सो के सो के, चारों मैच मिला के 20 ओवर ही खेला है। नहीं, चारों मैच सुनो, सुनो सुनो, आज के दिन जरा तक वेट ले जाता हूं मैं। अपना क्या कर रहा है, छटक मारेंगे। नहीं है, तीसरा करा देते तो हम तो फ्री हो जाना, पता चलता हमारे कल पबजी टूर्नामेंट खेल लेते। नहीं हो पाएगा यार, वो इनको कल ही करवाना पड़ेगा क्योंकि आज थके हुए ना सारे के सारे। यहाँ पे आज का मैच जो है फिनिश हो चुका है और आज के मैच में जो अभी लास्ट मैच का जो टारगेट था वो था 55 का, लेकिन 56 करके राजस्थान ने बाजी मार ली। बहुत ही प्यारा मैच था। शाइनी को नहीं मिला चांस खेलने का अभी, लेकिन वो कल ज़रूर खेलेगा। तो गाइज अब हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए क्योंकि मैच हो चुका है ख़त्म। ये रहा शाइनी, आज के दो मैच कम्प्लीट करके हमने टारगेट पूरा किया है, कोशिश करिए पूरा करने की, बाकी का टारगेट हम लोग करेंगे कल पूरा। तो शायद कल के लिए मैं अवेलेबल नहीं होऊंगा, लेकिन आज का व्लॉग हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए बाय।